पौड़ी के रामलीला मैदान में आज से पौड़ी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देकर जनता का मन मोह लिया है। दरअसल व्यापार सभा, स्थानीय जनता और पौड़ी विधायक के सहयोग से इस बार शरदोत्सव के बजाय पौड़ी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 12 दिसंबर को लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, प्रियंका मेहरा और अनिल विष्ट भी अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ 3 दिनों तक महोत्सव में महिला भजन कीर्तन समेत कई अन्य कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए जाएंगे। पौड़ी से मुकेश बछेती की खास रिपोर्ट। पौड़ी जो है संस्कृति नगरी और पौड़ी पर्यटन नगरी के नाम से हमेशा से जाना जाता है, लेकिन हम ये देख रहे थे 2-3 सालों से बड़ी शून्यता आ गई थी, यहाँ जो शरदोत्सव होते तो नहीं हो पा रहे थे। तो हमको लोकल जनप्रतिनिधियों का, हमारे लोकल जनता का बड़ा प्रेशर आ रहा है कि व्यापार सभा अगर इसको पौड़ी महोत्सव के रूप में कराए, तो हमने भी पूरी कोशिश करी और लोगों का बड़ा सहयोग हम लोगों को मिला। तो इस हमने इसको 3 दिन के पौड़ी महोत्सव के रूप में बनाने की पहल करी, जिसमें हमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और भरपूर सहयोग मिल रहा है। व्यापार के तत्वाधानियों और पौड़ी के कई लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये वास्तव में पौड़ी अपने आप में एक सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर कई वर्षों से जो है यहाँ पर जो शरदोत्सव हुआ करता था, इस तरह का कार्यक्रम 3-4 वर्षों से यहाँ पर नहीं हुआ है और ये पहली बार ये प्रयास किया गया है कि फिर से जो है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को ये प्लेटफॉर्म जो है दोबारा सब मुहैया किया जाए और ताकि यहाँ के बच्चे भी इसमें अपनी प्रतिभा को दिखा सके और यहाँ मंच के माध्यम से अपने हम पौड़ी की जो संस्कृति की बात करते हैं और जो कल्चर की बात करते हैं उसको दिखाने का एक प्रयास कर सके।